आज हम बनाएंगे आलू और आलू के छिलके का चिप्स। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। आलू का चिप्स तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन आलू के छिलके का चिप्स भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये तीन आलू ले लिए हैं। ये छिलका वाला आलू आप देख सकते हैं, ये नया आलू है। ये विंटर सीजन में जन और फेब में आता है। तो अब हम इसे सबसे पहले अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे, क्योंकि हम इसके छिलके को भी फ्राई करेंगे, तो इसलिए हम पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अन्य आलू को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इसे कपड़े से अच्छे से ड्राई कर लेंगे, क्योंकि हम आलू के छिलके को भी फ्राई करेंगे, इसलिए इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। और अब हम इसे छील लेंगे। तो आलू के छिलके का चिप्स भी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। और यहाँ पे मैंने छिलके को छील लिया और आलू छिलके को अलग रख लिया है। और अब मैंने यहाँ पे आलू चिप्स का स्लाइसर ले लिया है और अब हम इसे इस तरीके से स्लाइस कर लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस तरीके से पतला होना चाहिए, अगर ये मोटा होगा तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। और मैंने यहाँ पे पहले से ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और अब हम इसे डायरेक्ट भी ऑयल में डाल के इसे स्लाइस कर सकते हैं। और अब हम इसे पहले मीडियम फ्लेम पे, फिर इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। अगर आप इसे कंटिन्यूअसली स्टर नहीं करेंगे तो ये जल सकता है और बीच बीच में कच्चा भी रह सकता है। और एक साथ आप इसमें ज़्यादा नहीं डालें। और अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी चिप्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। और इसके साउंड से भी आपको समझ आ गया होगा कि बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो अब हम इसी तरीके से इसके छिलके को भी फ्राई कर लेंगे। और अब मैंने आलू चिप्स और आलू के छिलके के चिप्स को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया और अब हम इसमें नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर इसे डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप अपने पसंद के और कोई भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। और इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी बने, बहुत ही टेस्टी। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ।